आज मेरे मम्मी का 12 दिन हो गया है, इनको भी हम नहीं। पता नहीं क्या होते, बहुत मेहनत उन्होंने एक नॉर्मल एक गांव में रह के, उन्होंने बाहर निकल के स्कूल में रह के हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करवाया। और कभी कभी सोचते हैं तो दिल में जो है बहुत दर्द होता है, उस माँ के लिए भी एज नहीं था मरने का। दो दो बार MRI सब कुछ हुआ, लेकिन शायद ऊपर वाला का मंजूर नहीं था, मम्मी इसको भी हमें साथ छोड़ दी। और नहीं देखा जाए मेरा ड्यूटी जब कम्प्लीट हुआ, बट देखिए आज 7 महीने का बच्चा लेके आई, फर्स्ट टाइम आई हूँ। हस्बैंड जी बोले चले, हम कहते मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगी बच्चा लेके, तो मैं स्ट्रगल करने में थोड़ा सफर करने में काफ़ी समस्या और प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मैं कल से आज मैं एक बार नहीं उठी, पूरा ट्रेनिंग अटेंड की। बस एक ही सोच है कि आज अगर स्मार्ट वर्क ना होता शायद ये प्रस्ताव होता मम्मी का इलाज नहीं करवा पाए, लेकिन आज स्मार्ट वर्क का आज दूसरे लोगों को बदौलत है। मिल गई जी बोले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी जो है हम लोग जिंदा हैं, आपके बड़े भाई के समान हैं, कोई दिक्कत नहीं काम कर रहा। तो थोड़ा हौसला है मन में, और मम्मी का इलाज हुआ, लेकिन ऊपर वाला मंजूर मेरे साथ छोड़ दिए। इसके अलावा देखा जाए आज मैं रूटी जब कंप्लीट हुआ मैं 7 दिन, लोग बोलता है कि जो है गांव का कहावत होता है अगर पेट में बच्चा है तो आपको नदी नहीं नागना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। रियल बता रही, दिल से बोल रही हूँ, प्रतिभा जी साथ में है, आई हुई है ट्रेनिंग में। 8 महीने का बच्चा था जब मैं मिर्जापुर में ट्रेनिंग करने गई, 8 महीने का बच्चा था, लाख अठारह महीना चल रहा था। और जब काशी जी का नदी आया तो आज से आंसू भर आया, मैं प्रतिभा को एहसास नहीं होने दी। मुझे यही लगा, लोग बोलते हैं ये हो जाता वो हो जाता, कहीं ऐसा ना हो कुछ दिक्कतें आ जाए, लेकिन फिर मैं सोची अगर मगर बिस्मार लोगों के नाम से आज परिवार के लिए आज मैं कदम उठाई हूँ तो आज के डेट में ऊपर वाला सही करेगा। और आज देखिए काशी जी सही सलामत आए, तो आज के डेट में सबसे सोच होना चाहिए, अपना विचार होना चाहिए। आज 10 साल सिस्टम में हो गया है, आज देखा जाए 15,000 से ऊपर का टीम है, लेकिन खुल के बोल सकती हूँ, दिल खोल के बोल सकती हूँ, ईमानदारी से बोल सकती हूँ, कोई गोलाई यहाँ पे बैठा हो चाहे निजा पर चाहे पेमेंट हो कि बबीता आज तक किसी का 10 रुपया खाई हूँ, पूरी ईमानदारी से काम की हूँ। इसीलिए मैं गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती हूँ, चाहे अपलाइन हो चाहे गोलबाई, नहीं मेरे एक गलत आदत है। शिखर अगर देखा जाए एक ही चीज़ बोलूँगी, बिजनेस मेरा भी जो है मैं जब से ज्वाइन की हूँ सिस्टम में, चाहे सीनियर का हाथ रहा या गोल लाइन का सपोर्ट रहा, आज तक रियल बता दूं ऐसा कभी नहीं हुआ जिस साल में लेवल ना हुआ हो। पिछला 2 साल में थोड़ा लेवल अप डाउन हुआ, प्लैटिनम से गोल पे आ गए तो तकलीफ बहुत हुआ, ये हुआ लेवल मेंटेन हो जाता मायने नहीं रखता, लेकिन लेवल जब डाउन हो जाता है तो बहुत तकलीफ होता है। उसी जगह जो है उसी साल में पेंगा बनवा पर्व बनी, अब से भी जो है प्लैटिनम को लॉन्च किए और मैं जूनियर के साथ में, बहुत तकलीफ हुआ दिल से, लेकिन एक ही चीज़ बोलेंगे अगर ईमानदार आप हैं, मेहनत से काम करें, दिल से काम करें तो ऊपर वाला एक दिन आपका सच्चाई देखता रहता है। इस साल देखा जाए मेरा 2 लेवल जंप किया है और कमेंट कर दी अपने पूरे टीम के सामने, अभी बच्चा भी थोड़ा परिस्थित और समस्या था, लेकिन कमेंट करती हूँ जितना भी एरिया हो जीजा पूछा पेमेंट हो हर एक एरिया में जाकर ट्रेनिंग करूँगी। अगर बच्चा लेके मैं स्ट्रगल कर सकती हूँ 2 दिन का ट्रेनिंग, तो जितना एरिया चल रहा है मैं बच्चा लेके ट्रेनिंग करवा सकती हूँ, और ट्रेनिंग करके इस साल में ज़्यादा नहीं डायमंड अपना कंप्लीट करेंगे। डायमंड कंप्लीट करके अपना जो है एक अच्छा जो है अपना भी फ्लैट जो है बुक करवाएंगे। अभी घर हो गया, घर अभी जो है में मैं जिस ससुराल में रहती हूँ इस जगह पे, अभी देखा जाए इस साल का बोनस नहीं है, मैं 18 लाख का घर कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें से जो भी बोनस नहीं आया उसका था 18 लाख का घर अपने ससुराल में खुद बनवा रही हूँ, क्योंकि पुराने पता तो मुझे पसंद नहीं था। तो आज के डेट में सबसे मेन चीज़ ये है कि देखिए भैया जी बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि आज की दुनिया में सबसे
ज्यादा विश्वास अगर लोग करता है किस पे, पैसे पे करता है। मम्मी डेट कर गई, सासू माँ बोली कि जो है ऐसा है जो अगर आप ट्रेनिंग में नहीं जाओगे तो दिक्कत हो सकता है। तो मुझे लगा, मुझे ये चीज एहसास हुआ कि ये हम नहीं, ये मम्मी नहीं, ये पैसा बोल रहा है। तो आज के डेट में यही मैं मैसेज देना चाहूंगी, चाहे यहाँ पे हाउस वाइफ लोग हैं या लड़कियां लोग आई हुई हैं, भाई अगर आपको इज्जत कमाना है तब तक लेवल कम्प्लीट कीजिए। एक ही चीज ट्रेनिंग लेने से समझ में आता है, आप कितनों अच्छे रहिए कितनों कुछ भी रहिए, लेकिन आपके नजर में, आप भैया बहुत अच्छा बात बोले थे कि अगर आप साइकिल से आएंगे तभी आपको उतना इज्जत रहेगा, अगर आप डायमंड बनेंगे आप साइकिल से आएंगे तभी उतना इज्जत रहेगा, लेकिन अगर एक सिल्वर होके एक गोल्ड होके आप 14 लाख 15 लाख से गाड़ी से आएंगे कोई इज्जत नहीं रहेगा। ये टॉपिक मैंने लिख लिया है, और 15 लाख का गाड़ी तब लेंगे ना डायमंड कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद 15 लाख का गाड़ी लेंगे। इसके अलावा जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लोग आया हुआ टीम से, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभी जो सिल्वर गोल्ड बन के आए हैं उन लोग पूरा मानेंगे, यही मानेंगे कि इस साल में ट्रेनिंग करके गोल्ड और रूबी में खुश नहीं होना हो जाना है, सिल्वर में नहीं खुश हो जाना है। भैया मैं रूबी कंप्लीट कर ली हूँ, रियल बता दूँ मैं हमेशा नॉर्मल रहती हूँ, मुझे ज़्यादा वो पसंद नहीं है इधर उधर कुछ नहीं, मैं हमेशा नॉर्मल रहती हूँ। और एक ही चीज़ बोलते हूँ कि रूबी कंप्लीट हो गया, समझ नहीं आता भैया मैं सारा पैसा क्या कर रहा हूँ, रियल बता दूँ। अब मैं ये नहीं कहती पैसा पैसा कमाएं, लेकिन पैसा मैं सही जगह पर लगा रही हूँ। बहन का शादी हुआ, उसमें मैंने जो है मम्मी का जो है गाड़ी गिफ्ट किया, जो है मैं शादी में दहेज मैंने खुद बोला, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बोलते कि बेटा जो सब करना, मैंने ठीक है अगर मम्मी मैंने इतने मेरे लिए दिए हैं, तो मम्मी का भी जो साल भर शादी का मेरे सिस्टर का हुआ तो उसमें 1 लाख का मैं गाड़ी दहेज में अपने खुद के कमाई सकती हूँ। और एक ही मिशन आई स्मार्ट वैल्यू, एक इतना बड़ा सोच देता है, रियल बता दें मैं गाँव देहात में क्या होता है, जब 2-4 लोग 1 लोग अगर सर्विस करता है तो अपना देखता है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू इतना मोटिवेशनल दे देता है, इतना पैसा दे देता है, इतना नॉलेज दे देता है कि घर में चाहे माता हो चाहे पिता हो या बहन भाई हो, हर किसी को एक समान देखना है। ये सेनो आज हम लोग स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं, स्मार्ट वैल्यू हमको दिल से करना है, और हर एक तकलीफ को चाहे मम्मी हो या पापा हो या छोटे भाई बहन हो उन लोगों को हमको फेस करना, कभी तकलीफ नहीं देना है, और एकदम जंग तरीके से एकदम डीडी जो है मुझे जो अपना पढ़ाना भी इस साल में जो डीडी जो गया है गया, लेकिन इस साल में मैं आपसे कमेंट करती हूँ भैया पर पीक अपनी टीम से राइट और लेफ्ट तक मैं 100 डीडी खुद भी देंगे, 100 डीडी भेजेंगे, 100 डीडी मां सब साथ देंगे। ये सेनो एक बार मैं चाहूँगी मेरा टीम खड़ा हो जाए।